राव खान वाला एलियस रुखा वाला, यानी कि ये चेंज होते होते लोकल लैंग्वेज में रुखा वाला कहलाने लगा, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम जो है स्टेशन का वो राव खान वाला है। अस्सलाम वालेकुम मुर्ज़ा साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर। तो ये यहाँ पे मुलाजिम है और यही हमें लेके आए और बता रहे थे कि अंदाज़ा है, वैसे पेपर्स में वो कहते हैं पता चल सकता है, लेकिन ऑफिस में इस वक्त कोई भी नहीं है, तो कहते हैं कि अगर हम पेपर्स से पता करेंगे तो शायद कोई और डेट निकले। तो अंदाजन बता रहे हैं कि 1903 या 1907 के कहीं दरमियान जो है ये बना है। आप एक पिछले स्टेशन का जिक्र कर रहे थे, वो कौन सा स्टेशन? रोशन बीला। तो कह रहे हैं कि वो 1907 में उधर लीवर के ऊपर मोर लगी हुई। अच्छा, वहाँ पे वो कहते हैं कि लीवर के ऊपर ये जो लिखा कांटों का लीवर, कांटा बदलने का, ट्रैक बदलने के जो लीवर्स हैं, तो वो कहते हैं कि उस पे 1907 लिखा हुआ है। तो ये जो है कंट्रोल रूम कैबिन है, ये आप देख सकते हैं कि बना हुआ है। तो ये जी मुर्ज़ा साहब के पीछे पीछे मैं भी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। तो ये देखें जी, कैबिन खुला, मुर्ज़ा साहब हैं, और ये कैबिन तभी का ही बना हुआ है। इसकी आप देख सकते हैं जो इसमें वुड वर्क है वो अभी तक मिंट है, सिर्फ पेंट वगैरह जो है वो उखड़ा हुआ है। और ये मुर्ज़ा साहब बता रहे हैं कि ग्लासेस भी तभी के हैं। बहरहाल कुछ ना कुछ ज़ाहिर रेनोवेशन होती रहती होगी, तो ये तो नहीं कि रेनोवेशन नहीं, लेकिन अगर हम लकड़ी को देखते हैं तो ये अभी तक एज इट इज़ मिंट कंडीशन में खड़ी है। और ये जी अब हम एंटर हो गए कंट्रोल रूम में, और ये हमारे भाई मुर्ज़ा साहब खड़े हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बड़ा रोमांटिक ये इसका एटिक स्टाइल आप देख सकते हैं। ये छत की तरफ मैं कैमरा मूव कर रहा हूँ, और अब यहाँ से ये गेबल्ड रूफ इसको कहते हैं। तो ये जी हमारे कंट्रोल लीवर्स आ गए यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ से जो है कांटे वगैरह, जिसको आमतौर पे हम कहते हैं कांटा, तब्दील किया जाता है। और मुर्ज़ा साहब बता रहे थे, अच्छा मुर्ज़ा साहब, अगर हमने बिलफर्ज ये इस वक्त एक लीवर जो है ये खींचा हुआ है नीचे को हुआ हुआ, तो ये क्या बता रहा है हमें? ये सब नॉर्मल पोजीशन पे है। अच्छा, ये इस वक्त नॉर्मल पोजीशन में, यानी कि ये इस वक्त जितने भी हैं वो कह रहे हैं कि नॉर्मल नहीं, ये जो खींचा हुआ ये भी नॉर्मल पोजीशन पे है, ये एक लॉक है, इन सबका लॉक है, अभी इन्हें लॉक लगा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको पता चली, ये देखें लिवर्स आर फुल्ड बैक और ये दे आर इन द नॉर्मल पोजिशन, मुर्ज़ा साहब इज सेइंग। और ये जो लिवर एक जो है ये मैं आपको लॉक है, ये कहते हैं कि ये इनका लॉक है, यानी कि अब ये नॉर्मल पोजिशन पे हैं और लॉक्ड है, इनको कोई आम बंदा जो है वो छेड़ नहीं सकता, खोल नहीं सकता। तो जब वो कहते हैं कि हमने इनको कांटा तब्दील करना होगा, तो फिर हम इस लॉक को पहले खोलेंगे, तो फिर ही हम कांटा जो है। जी 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 जी, तो सब क्या है आप यहाँ पे स्टेशन पे? मैं पार्ट्समैन हूं। अच्छा जी, पार्ट्समैन। तो ये बता रहे हैं कि ये 1907 में शायद बना है, वैसे वो कुछ देख रहे हैं साइंस, तो बता रहे थे कि किसी ने किसी लीवर पर लिखा हुआ। अगर वो बाहर जिस तरह के कैबिन हमने देखे थे, ये आप देख सकते हैं कैबिन। तो ये जो स्टील का आपको एक कैबिन नजर आ रहा है सामने, इस पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो वहां पे 1888 लिखा हुआ, और ये ग्लासगो का बना हुआ कैबिन है। तो ये मैं नीचे जा रहा हूँ कंट्रोल रूम से, तो आपको यहाँ पे बाकायदा मैं आपको लिखा हुआ दिखाता हूँ। अब हो सकता है कि ये जो कंट्रोल रूम है इसमें जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो बाद में फिक्स किए हों, तो वो बाद की कोई डेट हो, या जिस तरह ओवरहॉलिंग होती रहती है और आपको पता है रेनोवेशन होती रहती है, तो हो सकता है वो बाद के हों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्लासगो लिखा हुआ है और 1888 भी इस पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये ग्लासगो में बाकायदा बना है और फिर इसको जाहिर है शिपमेंट के जरिए से पहुंचाया गया होगा। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो वायर्स वगैरह पड़ी हुई हैं, एक तरह से आप समझ लें कि डंप की अवस्था है, शायद ये कोई इनका जंक बॉक्स हो। अब ये हम यहां से बाहर मूव करते हैं, ये बाहर का मंजर है कैबिन के अंदर से, ये कोई बैठे हुए, ये मेरे कजन हैं, मेरे साथ ही आए हुए हैं। ये कैबिन से बाहर राव खान वाला का मंजर हमें नजर आ रहा है, और बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। और ये जनाब टाइप ऑफ अ सॉर्ट ऑफ अ पार्किंग यू कैन से, हाँ जी, ये मेरे कज़न बैठे हुए हैं, मेरे भाई अज़ुल्ला साहब। हाँ जी, हाउ डू यू फील कमिंग हेयर?
अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तन्हा सा स्टेशन है और तन्हा से स्टेशन का एक अपना ही मजा होता है। बचपन में कभी कभी आया करते, यहाँ खेला करते थे। अच्छा, आपका यानी कि आपने कुछ दिन बचपन के भी यहाँ गुजारे हुए हैं। ये जी रॉ खान वाला की ही जो है आपको मैं सराउंडिंग्स दिखा रहा हूँ वीडियो में। तो हम काफी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और ये मेरे छोटे भाई कलीम अशरफ किसी अपने काम धंधे में मसरूफ हैं, वो अपने वीडियोस बनाए जा रहे हैं और तस्वीरें बनाए जा रहे हैं। तो ये एक निशान आपको एरो का नजर आ रहा है जो किबला की निशानदेही कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये स्टेशन पे आप घूम फिर रहे हैं तो क्या, किस तरह का आपको महसूस हो रहा है, क्या फीलिंग्स हैं? बहुत अच्छा इस तरह लग रहा है जैसे पुराने जमाने में आ गए। अच्छा, क्योंकि ज्यादातर इस तरह की चीजें फिल्मों ड्रामों में देखते हैं, रियल लाइफ में तो कभी कभी चांस मिलता है इस तरह। वैसे भी ये जो बड़े तन्हा से रेक्लूज से स्टेशन होते हैं ये बड़े फैसिनेट करते हैं, तो खास तौर पे जब ये स्टीम इंजन हुआ करते थे तो वो तो बिल्कुल एक फेरी टेल लाइक सिचुएशन हुआ करती थी, उसकी फैसिनेशन भी बिल्कुल वैसे हुआ करती थी। स्टेशन की तन्हाई के हवाले से आप किसी शेर का जिक्र कर रहे थे, मुनीर नियाजी का। काफी शोरा ने इस बारे में लिखा है इंग्लिश शोर, लेकिन मुनीर नियाजी, हाँ थोड़ा सा ऊंचा बोलें तो वो मुनीर नियाजी का एक शेर है जो मुझे याद आ रहा है। सुबह काजब की हवा में कितना दर्द था मुनीर, जबरदस्त रेल की सीटी बजी तो दिल लहू से भर गया। वाह वाह वाह, रेल की सीटी बजने से दिल का लहू से भराना, जाहिर है एक एक आप समझ लें कि इस्तारा है, कोई जुदाई का एक इस्तारा है कि कोई गया है, सिटी बजी है तो कोई जाने वाला गया है, तो उस वजह से दिल दर्द से जो है भराएगा। पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी, जाने कब फिर जो है देखना नसीब होगा, तो इस वजह से। वैसे अच्छा शेर लगा, मौके की मुनासबत से है तो चलिए, अच्छा लगा आपका शेर सुन के। मेरा मतलब है कि मुनीर नियाजी साहब का शेर आपके मुंह से सुन के। ये देखें जी, आप दूर तक देख सकते हैं, देर इज़ नो बडी अराउंड, और ये जो स्टेशन के सबर्ब्स हैं, तो ये स्टेशन की मशरकी साइड है, ये आप देख सकते हैं। व्हाट अ व्यू, एंड दिस इज इट।